चलो भाई, सो दिस इज लेक्चर 4 है ना भाई? कौन सा लेक्चर 4? नॉर्मल लेक्चर। अब लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे भाई? अमीन बताया था मैंने, ठीक है, जो हमारा ग्रुप है वो अमीन है, और वो कैसे आएगा यहाँ ध्यान देना। मैंने आपको बताया था N के साथ अगर 3H लगे हैं तो इसे क्या बोलते हैं? अमोनिया। अमोनिया। अगर एक R लगा दिया इसके साथ कितने बचे? प्राइमरी अमीन। OH बचे। और अगर दो R लगा दिए तो यू लिख सकते हैं R3NH, और इसको लिख सकते हैं R3N, ठीक है भाई? ये हो गया 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन, ये 3 डिग्री। एक एक करके नामकरण करवा रहा हूँ। 1 डिग्री अमीन आपका 8th फंक्शनल ग्रुप होने वाला है, ये वाला आपका 9th होने वाला है, और ये वाला आपका 10th फंक्शनल ग्रुप होने वाला है, ठीक है? हाँ, ये तीनों को अलग अलग पढ़ो, तो तुम्हारे लिए तो सही है ना? क्लास इक्वेशन में धड़ाधड़ मामला आगे चल रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले मैं आपको 8th करा रहा हूँ। 8th का क्या वो है? प्राइमरी। 8th आपका हो गया प्राइमरी अमीन, तो यहाँ लिखते फटाक से जल्दी से 8th फंक्शनल ग्रुप की डिटेल स्टडी, आगे आपका प्राइमरी अमीन। ओके गाइस, ये आपका हो गया प्राइमरी अमीन। अब इस प्राइमरी अमीन की बात करें तो इसका सेकेंडरी सफिक्स आपको चाहिए। ये सेकेंडरी सफिक्स क्या है? तो इसका सेकेंडरी सफिक्स में हमारा लगता है अमीन। ओके गाइस, क्या लगेगा? अमीन। अमीन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नामकरण। देखो नामकरण क्या है, मान लो यहाँ पे लिखा है CH3, CH2 और ये NH2। इसका मैं आपको दोनों नाम करवाऊंगा, IUPAC भी और कॉमन नेम भी। IUPAC इसका जनरली कैसे लिखा जाता है? IUPAC जनरली ऐसे लिखा जाता है एल्केन अमीन। क्या लिखा जाता है? एल्केन अमीन, क्योंकि ये वाला A है तो ये वाला E क्या हो जाएगा? ड्रॉप। क्यों? क्योंकि L का आपका हो गया वर्ड रूट, N आपका क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स, और अमीन आपका क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स। तो एन का जो ए है वो ओमिट हो जाएगा, तो नामकरण इसका फिलहाल क्या हुआ? वर्ड रूट एच, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है एन अमीन, तो नामकरण इसका क्या हो गया भाई? इसका हो गया इथेन अमीन। अगर एक कार्बन होता सिर्फ तो मिथेन अमीन, तीन कार्बन होते प्रोपेन अमीन। समझ गए बात? बोल लो, ठीक है। और इसका कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है? इसका कॉमन नेम लिखा जाता है एल्काइल अमीन। एल्काइल अमीन, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द एल्काइल ग्रुप। कौन सा एल्काइल है? इथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अमीन। मतलब अगर आप कॉमन नेम निकालना चाहते हो किसी अमीन का, तो आप सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन से उसमें क्या लगे हुए हैं एल्काइल। देखो भैया, यहाँ पे फिलहाल एक इथाइल लगा है, तो इथाइल अमीन। मान लो इथाइल ग्रुप के साथ अगर ये सेकेंडरी अमीन होता तो एक आर और लगा होता ना। मान लो इथाइल के साथ एक मिथाइल भी लगा होता, तो इथाइल मिथाइल अमीन। डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ले आ जा। जैसे मान करके चलते रहा ये है CH3CH, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दे, और यहाँ सी की जगह क्या डाल दे? NH2, ठीक है, और यहाँ पर डाल दे CH2। तो अब चेक कर वर्ड रूट क्या है। प्रोपाइन। वर्ड रूट PS, SS, PP और ST। तू खुद बता वर्ड रूट क्या है। सिर्फ एक एक करके बात करना, नामकरण यू सट्टा सेट हो जाएगा एकदम। और हाँ, एक चीज और यहाँ ध्यान दे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नंबरिंग करने में जो मिलती है ना, नंबरिंग करने में वो मिलती है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सेकेंडरी सफिक्स को, फिर किसको मिलती है? प्राइमरी सफिक्स को, फिर किसको मिलती है? सेकेंडरी सफिक्स को। दोबारा सुन, सेकेंडरी सफिक्स मेन फंक्शन ग्रुप होता है, उसके बाद जो ग्रुप्स होते हैं वो एन इन आइन होते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अगर नंबरिंग आपको करनी है तो सेकेंडरी सफिक्स को, फिर PS को, फिर ये वाला प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना सर, PP। हाँ, लेकिन हम तो वर्ड प्राइमरी से ज्यादा PS, PS से ज्यादा SS, ठीक है भैया? PP का रोल नहीं। तो आ जा, PP साइक्लो है ना, साइक्लो को आप नंबरिंग थोड़े देते हो, समझ गए? साइक्लो को थोड़े नंबरिंग देंगे। यहाँ ध्यान दे, वर्ड रूट बता क्या है? प्रॉपर। ये आ गया आपका प्रॉपर। अब PS क्या है?
एन एन या आइन नहीं, वैसे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन अगर डबल हो गया या ट्रिपल हो गया तो डबल और ट्रिपल को वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया इन, ये हो गया अमीन, ठीक है, प्रॉप इन अमीन। लेकिन अब दिक्कत ये है, अमीन कौन सी पोजीशन पे है, इन कौन सी पोजीशन पे है, तो चेक करो। अगर मैं नंबरिंग करूँ तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ से करूँ या 1 2 3 यहाँ से करूँ। संतोष भाई, अमीन तो दोनों तरफ से टू पोजीशन पर है, अमीन दोनों तरफ से टू पे है, लेकिन अगर ये प्राइमरी सफिक्स इन की बात करूं तो यहां से काउंट करूंगा तो 1 2 3 टू और थ्री के बीच में इन है ना, तो अगर टू और थ्री के बीच में इन हो तो यहां पे टू लिखूंगा, क्योंकि इन की पोजीशन क्या है, टू थ्री है ना, तो टू लिख दिया कि टू से स्टार्ट है। अब टू से स्टार्ट है तो ऑब्वियस ही बात है डबल बॉन्ड कहां खत्म होगा, थर्ड पे ही। लेकिन अगर यहां से करूं 1 2 3 तो स्टार्ट है 1 से, तो मेरे को तो कम नंबरिंग देनी है। सेकेंडरी सफिक्स को दोनों जगह से सेम मिल रही है, तो अब थोड़ी इज्जत प्राइमरी सफिक्स को भी दे दे, तो नंबरिंग कहां से कर दी, 1 2 3 यहां तक कोई लोचा भाई, दोबारा बता दे, मैं दोबारा बोल लूंगा, ठीक है, ले दोबारा सुन। अमीन दोनों तरफ से क्या था, दो पोजीशन पे, तो बेटा तेरा तो दो से कम बैठता नहीं, तो आ जा तेरा नामकरण में क्या आ गया, टू अमीन आ गया। लेकिन इनका हम कर सकते हैं, अगर यहां से करूंगा 1 2 के बीच में, यहां से करूंगा 1 2 3 टू थ्री के बीच में, तो मैं तो 1 और 2 के बीच में कम पड़ रहा है ना, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, 1 इन। अब हमेशा याद रखना, दुनिया में कभी भी नंबर के बाद अल्फाबेट आएगा ना तो बीच में एक हाइफन डैश लगेगा, अरे नंबर के बाद हाइफन है ना, और यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स में ये वोवल है, तो इससे पहले वाला वोवल वॉमिट हो जाएगा, वॉमिट का मतलब हट जाएगा, है ना, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया जनरली 1 नहीं लिखा जाता, दोबारा बोल रहा हूं जनरली, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि लिखना पड़ जाता है, समझ गए, इसका नाम हो गया प्रॉप। अगर तुम 1 इन लिखोगे देन ऑल्सो ओके, नंबर नहीं काट सकता कोई, अगर डायरेक्ट आप प्रॉप इन लिख दोगे तो भी ओके, हाँ लेकिन टू अमीन तो लिखना पड़ेगा भाई साहब, समझे। अब ये तो हो गया इसका आयुपैक नेम, अब कोई पूछे कि बेटे इसका कॉमन नाम बता दे, तो जी घंटा, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, बता क्यों, क्योंकि कॉमन नेम सबका नहीं होता, जैसे इतने सारे बच्चे होते हैं निक नेम क्या सबके होते हैं, है? कुछ के माँ बाप को चुल होती है, समझ रहे हो, कुछ को ही होती है सबको, वैसे ज्यादातर को होती है, आपका है निक नेम तो यार ध्यान देना, ये समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, यहां से नॉमनक्लेचर आपका इजी होता चला जाएगा, ठीक है। एक नाम और दे रहा हूं उसका, वो ध्यान से देख लो, मान लिया अगर ऐसा लिखा हो CH3 CH2 CH2 NH2, तो ये क्या हो गया, पहले आयुपैक लिखे, ब्यूट, आयुपैक में ब्यूट हो गया, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम हो गया, ब्यूटेन, और 1 पे अमीन है तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और ई हट जाएगा ना, चल बेटा साइड हो, निकल यहां से भाग, ब्यूटेन अमाइन अमीन, और कॉमन नेम क्या हो गया इसका, ब्यूटाइल, बे चमन आदमी, कार्बन 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 साइड से जुड़े हैं, कौन सा, एन ब्यूटाइल, मैं इसकी पूछ, एन ब्यूटाइल, ब्यूटाइल में बहुत सारे होते हैं, एन ब्यूटाइल, अरे क्या है ये, ये 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 क्या है, है ना, तो देख ना साइड से जुड़ तो रहा है, तो इसका नाम हो गया एन ब्यूटाइल अमीन। अब मुझे बता दे, अब भी नहीं आ रहा क्या समझ में, ये आपने दो दो बार क्यों लिखा, एल्काइल अमीन और इथाइल अमीन, अबे एल्काइल मतलब जो एल्काइल होगा वो लिख के अमीन, ठीक है, फटाफट नोट कर, इसे कर लिया सारा, जल्दी कर, हम पहले बात ले भैया, ध्यान देना, हमें कैसे पता लगेगा किसी का कॉमन नेम है या नहीं, यहाँ पर देखो, मान करके चलो अगर मेरे पास एक ग्रुप ये लगाए, ये है NH2, तो तू बता ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये आइसो आइसो प्रोपाइल
है ना, लेकिन वो तब है जब यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड लगे हैं, मतलब ये CH3 इधर H और इधर CH3, तो चल ये तो आइसोप्रोपाइल अमीन हो गया, लेकिन यहाँ कहीं डबल लगाओ ऐसा, तो मैंने कोई ग्रुप का नाम नहीं बताया, तो बस फिर इसका नहीं है, मतलब इसके लिए आपको जितने भी सेकेंडरी प्रीफिक्सेस है वो थोड़े ढंग से याद होने चाहिए, समझ गए? ठीक है, देखो हाँ ये भी अच्छा, पहले हम प्राइम कर तो नेक्स्ट कम सेल्स नाइन्थ ग्रुप सेकेंडरी नाइन्थ आपका है गाइस सेकेंडरी अमीन, क्या लिखा है ये सेकेंडरी लिखा है, ठीक है सेकेंडरी लिखा है, सेकेंडरी अमीन क्या होता है 2 डिग्री अमीन, इसमें ना मान करके चलना दो वो होते हैं, दो अल्काइल ग्रुप होते हैं इसके अंदर, तो जो बड़े वाला होता है ना वो वर्ड रूट होता है, जो बड़े वाला होता है वो वर्ड रूट होता है, तो इसका बेटा WR क्या हो गया, PS क्या हो गया, SS क्या हो गया, PP क्या हो गया, SP क्या हो गया, तो वर्ड रूट उसका इथ हो गया, तो ये हो गया इथ, और क्योंकि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है एन, ठीक है, और अब अगर मैं इसको इनसर्कल कर दूं या ऐसे इनक्लोज कर दूं, तो ये बताइए अमीन पार्ट कौन से कार्बन पे लगा है, फर्स्ट पे वन, ये टू, ये फर्स्ट पे लगा है, तो इथेन हो गया इधर से करेगा ना तो टू पे लगा होगा, तो ज्यादा दूर से आपको जाना ही क्यों, ठीक है जी, तो ये आपका हो गया इथेन वन अमीन हो गया, उस साइड से भी तो लग रहा है इधर से, लेकिन ये छोटा हो गया ना, ये तो एक कार्बन मिथ हो गया भाई, या तो तेरा वर्ड रूट ये मिथ होगा या इन दो को मिला के इथ होगा, तो आप कौन सा लोगे, बड़े वाला ही तो लोगे, तो यहाँ पर मैंने इथेन अमीन कर दिया, अब ये वन पोजीशन पे अमीन लग रहा है, मतलब अब ये जो पेन नहीं ले, अब सुन, अब ये जो CH3 ग्रुप लग रहा है ये किस कार्बन से लग रहा है, फर्स्ट से या सेकंड से, CH3 जो लगा है फर्स्ट कार्बन से या सेकंड से, फर्स्ट से, अरे बहस की पूछ, किसी कार्बन से नहीं लगा, नाइट्रोजन से लगा है, तो कौन सा CH3 ये वाला, तो ये तेरा जो हुआ ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हुआ, और इसे 1-methyl या 2-methyl नहीं बोलूंगा, कौन सा मिथाइल बोलूंगा, N-methyl, why the N-methyl, because this methyl is attached to capital N nitrogen, अरे बोल दे, that's why this would be called N, सर ये दो ग्रुप के बीच में लगेगा हमेशा NH, obvious सी बात है, अरे दो, दो से मतलब मेरा ये है कि N के साथ एक H हुआ, एक CH2, CH3 हुआ, एक CH3 हुआ, ये तो बीच में NH क्या, तू CH3 इधर लिख दे, H इधर लिख दे, नहीं मेरा मतलब NH जैसे लास्ट में होगा, हाँ हाँ ना, कैसे लास्ट में होगा, आपको दो अल्काइल तो चाहिए ना, ठीक है, तो ये आपका नाम हो गया N मिथाइल इथेन वन अमीन, और ये वाला E ओमिट होगा नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाला बार बार बोलने की तो जरूरत नहीं है ना कि NE9 का E ओमिट हो जाएगा अगर बाद वाला बन हुआ तो, इज दैट क्लियर, ठीक है, तो ये तो आपका IUPAC नेम था, जब भी आप सेकेंडरी प्रीफिक्स PP, W, अच्छा यहाँ पे PP क्या आएगा इस वाले में, कुछ नहीं आएगा, साइक्लिक नहीं है ना, तो नहीं आएगा, ये आपका IUPAC था, जब भी आप सेकेंडरी प्रीफिक्स इनकी हेल्प से लिखते हैं तो आपका नामकरण कौन सा आता है, नामकरण आता है IUPAC वाला, मयंक आपको कुछ भी नहीं आ रहा समझ, आज आपको दो लेक्चर दूंगा वो देख करके आना, फिर उसके बाद ना थोड़ा सा अलग से करा दूंगा, सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, बस थोड़ा एक दो क्लास के बस मेहनत कर लोगे ना, उसके बाद सब समझ में आने लग जाएगा, ठीक है, हाँ एन इसलिए आया क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ना तो डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है ना इससे, तू कहेगा क्यों नहीं अटैच, ये इसी से तो अटैच है, सुन मेरी बात भाई, मान ले ये तू है और ये तेरी वो है, और तुम दोनों के बीच में वो बेस्ट फ्रेंड नामक चीज है, समझ रहा है, इससे ज्यादा गंदा कुछ नहीं हो सकता, अब याद ध्यान दे, तो बीच में से हटा उसे, ठीक है, फिलहाल याद ध्यान दे, ये मिथाइल जो है नाइट्रोजन से अटैच है ना, अबे आप पोपलो हाइड्रोजन से नहीं है, ये देख नाइट्रोजन, अबे हाइड्रोजन एन से, अरे इसे पता ही नहीं लग रहा बॉन्डिंग का हो रही है, पता रख भाई, ध्यान दे, लेकिन ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हम उस वाले का क्यों नहीं ले सकते, किसका, जो बॉक्स में ये लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन ये है दो कार्बन की और ये सिंगल कार्बन की है, तो वर्ड रूट वो वाली लेता हूँ मैं जो लॉन्गेस्ट चेन है, तो अगर तूने लॉन्गेस्ट चेन को वर्ड रूट ले लिया तो ऑब्वियसली बात है छोटे वाले को सेकेंडरी प्रीफिक्स लेगा, अब नाउ इफ यू आर डूइंग
कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में जस्ट आइडेंटिफाई कौन कौन से अल्काइल चिपके हुए हैं। सर अगर सी एस थ्री एन एच सी एस थ्री हुआ तो हाँ वो वाला अगला करा देता हूँ, वो अगला करा देता हूँ। हाँ इसमें कौन कौन से अल्काइल ग्रुप है, एक इथाइल है और एक मिथाइल है। नॉमेनक्लेचर में अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, इथाइल आएगा। वेरी नाइस गाइस, सो दिस इज डन। यहाँ पे लिखा जाएगा इथाइल, यहाँ लिखा जाएगा मिथाइल और यहाँ लिखा जाएगा अमीन। मैंने कहा था ना जो भी अल्काइल ग्रुप है उन्हें आइडेंटिफाई करो और लिख दो जल्दी फटाक से, लिख इसको। कॉमन नेम ज्यादा आसान है यूपैक्स। एक्चुअली बताऊं ये सारे ही इजी हैं, बस दो ढाई क्लास और होने तो नॉमेनक्लेचर की, उसके बाद तुम बादशाह हो जाओगे नॉमेनक्लेचर के। रिवाइज ही नहीं करेंगे तो हैं, बड़ी आईयूपीएसी नहीं, उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं। तो बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें पूछा CH3 नेक्स्ट कंपाउंड CH3 NH CH3, अगर ये होता तो क्या होता, तो वर्ड रूट क्या लूंगा मैं WR ले लूंगा, कोई सा भी ले ले, अब या तो ये ले ले या ये ले ले, अरे तेरी मर्जी भैंस की पूछ, कोई ले ले, ले ये ले ले। तो जाता है ना वर्ड रूट मिथ ले लिया और प्राइमरी सफिक्स मेरा एंड, वो तो लगेगा ही लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स क्या लग गया अमाइन लग गया, प्राइमरी प्रीफिक्स भैंस की पूछ कुछ है नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में एंड पे मिथाइल हो गया, उसका नामकरण क्या हो गया मिथाइल, मिथाइल इसमें तो कुछ भी लिख सकते हो, इनको इसी ऑर्डर में लिख दो एंड मिथाइल मिथेन अमीन डन। आयुपैक लिखने के लिए ओ कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करेगा इसका, मिथाइल मिथाइल कॉमन नेम के लिए मिथाइल मिथाइल अमीन नहीं लिखेंगे, इसको दो बार ना लिख के एक ही बार लिख देंगे क्या, मिथाइल डाइमिथाइल अमीन ओके। अरे डाइमिथाइल दो मिथाइल हो गए ना, तो बार बार यूं लिखो मिथाइल मिथाइल अमीन, एक बार बोल दे डाइमिथाइल अमीन ओके। अरे बोको भाई चल, ये समझ आया कि नहीं आया है, चलो भाई बल्ले बल्ले। अब नेक्स्ट आ जा कौन सा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, देख पहले से नॉमेनक्लेचर अब थोड़ी इजी लगने लग जाएगी, अब ओनली अब तो चार ही बचे हैं बस है? चार ही बचे हैं क्या, यहाँ दसवां होने के बाद फिर चार बचेंगे, वो करवा दूंगा सारे, आज काफी हद तक हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट आ जाए टेंथ, अभी आज बहुत सारा हो जाएगा, अभी आज चैप्टर तो नहीं खत्म होगा, दसवीं लास्ट थोड़े पढ़ रहा है एक बार। द नेक्स्ट कम्स इज योर टर्शियरी, ठीक है टर्शियरी अमीन, ठीक है आप अमाइन अमीन बदल क्यों रहे हो, एक प्रोनाउंस कर लो, मैं तुम कंफ्यूजन हो गया, अमीन अमीन विटामिन होता है विटामिन होता है वो अमीन है, कुछ भी है विटामिन, ठीक है। अभी आ जा, मान ले तेरे पास ये एन है, इसमें तीन ग्रुप लगे हैं सी एच टू सी एच टू सी एस थ्री, ये लगा है सी एस थ्री और ये लगा है सी एस टू सी एस थ्री, वाह वाह क्या पिरामिड। हाँ भाई तो भाई याद याद नहीं, मैक्सिमम जो तेरा वर्ड रूट है डब्ल्यू आर एस एस देन पी पी देन एस पी गाइस WR Pro. Oh, अब बता मेरे को वर्ड रूट क्या देगा? Pro. Is that clear? Yes. Oh, very nice. तो ये ले लिया श्याम और ये भी श्याम, ठीक है? तो क्या ले लिया भाई मैंने? Prop. ये prop ले लिया, तो prop में one पे अमीन ग्रुप है। तो यहाँ लिख one. अच्छा. Prop. Prop. In. Prop. In. अरे ये कौन सा in है? In. ढंग से बना. Prop in. ठीक है उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स तो है ना, ये भी ध्यान दे कहाँ लगा है, एंड पे ना, अरे पोपलू ना इस कारण पे लगा ना, इस पे ना, इस पे एंड पे एंड मिथाइल एंड इथाइल, अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, एंड। वेरी नाइस, तो यहाँ पर हम बेटे लिखेंगे एंड मिथाइल एंड डैश एंड मिथाइल और उसके बाद प्रोपेन अमीन ओके। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि ये तो आपका आयुपैक हो गया, क्या हो गया ये आयुपैक, कॉमन नेम, कॉमन नेम में यू जस्ट टेल मी कि कौन कौन से अल्काइल ग्रुप है,
इथाइल है, मिथाइल है और एन प्रोपाइल है। अरे आपको ब्लू प्रोपाइल में भी तो दिक्कत है, किसी बंदे ने कहा तुम्हें लटका दूंगा, अरे कैसे लटका देगा, सर से लटकाएगा या बीच से लटकाएगा ना, ये यहाँ से लटकेगा तो मर जाएगा और यहाँ से किसी ने लटकाया तो मर जाएगा, नहीं अबे पेट से ठीक है, और पैरों से भी लटकाएगा तो नहीं मरेगा, समझ गए ना, गर्दन से लटकाएगा तो मर जाएगा क्या, नहीं उल्टा करके मरता कौन है पागल, मर जाएगा आपने किए नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ मान जा यार, भगवान साथ है मेरे, हिलने का मन करे तो बता दे मैं से रोक दूंगा। कॉमन नेम तो क्या नाम हो गया भाई, एन प्रोफाइल हो गया, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, सबसे पहले कौन है, वेट वेट वेट, जब आप कॉमन नेम लिख रहे होते हो ना तो सिर्फ वो आता है, क्या बोलते हैं एल्काइल आते हैं और लास्ट में अमीन आता है, इथाइल मिथाइल प्रोफाइल, तो सबसे पहले आया आपका इथाइल मिथाइल, फिर एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, प्रोपाइल ठीक है, उसके बाद अमीन, अमीन, ओके गाइस, किसमें प्रोपाइल क्यों आया, क्योंकि सारे ही एल्काइल है ना। अच्छा यहाँ ध्यान दे, फिर तेरे को यहाँ क्यों नहीं बताई इथाइल मिथाइल अमीन जब लिखा मैंने, तो यहाँ तो तेरे को नहीं है दिक्कत, सारे एल्काइल लिखूंगा ना, दैट्स व्हाई, हाँ और कोई दिक्कत, वहाँ पर आपने एन नहीं लिखा, कहाँ पे, अब भाई इथाइल में एन इथाइल होता है, वो क्या है ना कि मैं पढ़ वढ़ के तो आता नहीं घर से, तो फिर मेरे ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें देखने पड़ेंगे, हाँ तो बता, अभी इथाइल तो है, चल चिपका जल्दी से, चिपका डन हो गया ये, दो मिथाइल क्या, अच्छा मान करके चल, मान करके चल, अगर ये ऐसा होता एन के साथ तीनों सी एच थ्री लगते, एन के साथ अगर तीनों सी एच थ्री लगते तो क्या बन जाता, मिथेन अमीन हो जाता, और एन मिथाइल, एन मिथाइल, तो उसे मैं एन मिथाइल, एन मिथाइल ना बोल के क्या लिख दूंगा, एन कॉमा एन डाई मिथाइल, नहीं समझा, मीथेन अमीन, वेट आई एम समझाइंग, ये कॉमा क्यों डाला, यार आई एम कॉमन है, आयु पैक है ना ये, हां वेट 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 मैं बता रहा, नहीं नहीं ये तो कॉमन होगा ना, आयु पैक है, आयु पैक है, याद ध्यान दे, सुन मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपका वर्ड रूट क्या हो गया, मिथ, अब ये डब, हां हां समझ गया, मिथ क्या हो गया, डब्ल्यू आर, डब्ल्यू आर, एन क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स, मीथेन अमीन भी तो लगेगा लास्ट में, तो मीथेन के बाद ये हट गया, अमीन भी लग गया, और यह आ गया आपका सेकेंडरी सफिक्स, हाँ ऊपर वाले में आपने इथाइल और मिथाइल में नहीं लगाया, प्रोपाइल में भी लगाया, पिछला पड़ गया, हाँ ध्यान दे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ठीक है, पिछला पढ़ के आई हो, ध्यान दे, तो वर्ड रूट में तो गया, फिर एन हो गया, फिर सेकेंडरी सफिक्स हो गया, है ना, तो मीथेन अमीन हो गया, अब तो किसी एक को अगर अपनी वो मान रहा है, क्या बोलते हैं, मेन चेन मान रहा है, मान ले इसको, तो मिथ पे अमीन लग गया, अब दो तेरे एल्काइल ग्रुप हो गए, अरे हो गए नहीं, हो गए, तो एक है एन पे मिथाइल और दूसरा भी है एन पे ही मिथाइल, तो मैं एन एन डाई मिथाइल नहीं लिख सकता, एक एन नहीं, हर हर मिथाइल या हर एल्काइल की पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी, समझ गए, इसकी तो नहीं बता रहे मेन रूट की, अब वो मिथाइल नहीं, वर्ड रूट तो मेन हो गया ना जी, ट्रायल लिख सकते हैं, अब जब आप कॉमन नेम लिखने जाएंगे ना तो तीनों के एल्काइल नाम लिखोगे और लास्ट में क्या लिख दोगे, अमीन, तो आप लिखोगे मिथाइल 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 अमीन, इससे बढ़िया क्या लिख दो, वेरी नाइस, इससे बढ़िया आपका हो गया ट्राई मिथाइल अमीन, इज दैट क्लियर, है डन कर दे भैया जल्दी से, ये हो गए, उसके बाद चार ग्रुप होकर आऊंगा सब खत्म, द नेक्स्ट वन इज योर, मैं इसको अगेन वही कर रहा हूँ, आपके पास दो पेज हैं लेफ्ट और राइट, मेरे पास ये पूरा है, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है जी, ये मेरा एक पेज और ये तुम्हारा दूसरा पेज,
और उसको मैं क्या कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ। तो अब टोटल चार फंक्शन रूम बचे हैं ना जी, बोलो ये चार फंक्शन रूम बच गए। ये चार में से यहाँ पर मैं करवाऊंगा ग्यारहवा, यहाँ करवाऊंगा बारहवा, नहीं ये उससे छोटे हैं, ठीक है। हाँ तुम कर लो, मैं तो समीर सर बना दिया अपनी कॉपी में। तो भाई यहाँ ध्यान देना, सबसे पहला फंक्शन ग्रुप जो है ग्यारहवा, इसका नाम है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो एल्केन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख ले नाइट्रो एल्केन्स, ठीक है। अगला क्या है, अल्कोहल। अगला है एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल। इन दोनों में फर्क बताता हूँ आपको, एल्काइल नाइट्राइट, एक नाइट्रो एक नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट, ठीक है। अगला जो है वो है नाइट्राइल, कौन सा ग्रुप है ये, नाइट्राइट है ना, वो नाइट्राइल है, फर्क बताऊंगा सब में, ठीक है। और ये आपका है आइसोसाइनाइड, एल्कोहल नहीं पढ़ा होगा क्या भाई, कितना एल्कोहल पढ़ा है प्यार से एल्कोहल से, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है जी, एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब ये ग्रुप्स कहते क्या है, क्या फर्क है इनमें, ये पहले बता देता हूँ आपको। पहले एक को पूरा कराना, फिर हाँ एक को पूरा कराना, फिर दूसरे पे ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे एक साथ कराओ, पहले सर पहले भर ही दो आप, सर एल्कोहल सेकेंडरी सफिक्स नहीं है क्या, हाँ है ना, ऑल होता तो है, तो 15 हुए ना, वो तो तू पढ़ चुका है ना अल्कोहल, वो जब तू नामकरण करेगा ना फिर को अल्कोहल में दिक्कत नहीं आने की, अरे पूछ रहा हूँ, अरे नहीं आने की, चल आ जा, आपने उसके अलावा 14 पढ़ाए हैं भाई, याद है आदियो, नाइट्रो एल्केन में नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, जब भी NO2 N से चिपकता है ना तो इसे कौन सा ग्रुप बोलते हैं, नाइट्रो। लेकिन तुम्हें पता है नाइट्रो में एक N और दो O है, तो अगर ये N का यार मैं ना थक गया, क्या थक गया भाई, पक गया, हाँ तो कहेगा ओ भाई तुम बॉन्डिंग कर लो, अब तो कहेगा ठीक है भाई तुम साइड में आओ, मैं आ जाता हूँ इधर, मैं बॉन्डिंग कर रहा हूँ, तो अब O से बॉन्डिंग हो गई, अरे है तो अब भी NO2, अरे बोल दे, तो जब N से बॉन्डिंग हो रही है कार्बन चेन की तो वो नाइट्रो हो गया, और जब O से हो रही है तो वो नाइट्राइट हो गया, यही बात समझ, फर्क समझ ले भाई, जब N से चिपक रहा है तो नाइट्रो हो गया, अगर और अगर O से चिपक रहा है तो नाइट्राइट हो गया, अगर सर NO2 के O के इस साइड बॉन्डिंग हो रही है तो भी तो वो एल्काइल नाइट्रेट हो गया, फिर तो किस साइड O से बॉन्डिंग हो रही है, वही इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा दिखता है, यूं दिखता है N के साथ ये चिपकता है डबल बॉन्ड हो O, तो मान ले यूं चिपका है CH3, तो C N से चिपका है ना, लेकिन अगर उस साइड होगा तो देखो ब्लू साइड बॉन्डिंग कैसे हुई, ले यार ऐसे देख ले डबल हो, मतलब अगर मेरा N से चिपका है, अगर N से चिपक गया कार्बन कंपाउंड तो वो कौन सा है, नाइट्रो, और अगर O से चिपक गया तो इसको ऐसे लिखते हैं CH3 O N डबल बॉन्ड O, ये ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। तो इसे ONO भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, तो याद ध्यान देना जो नाइट्रो एल्कोहल, नाइट्रो एल्केन है ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होते उनका सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता। गजब भाई साहब, गजब की याददाश्त है इस लड़के की, ध्यान देना यहाँ पर लिखो दिस इज नॉट अ, दिस इज नॉट अ मेन फंक्शनल ग्रुप, ये बात आपको समझ आई, दैट इज इसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, नहीं होता, ठीक है। तो इसका और एक और चीज इसकी नहीं होती, पहली चीज ये कि दिस इज नॉट अ मेन फंक्शनल ग्रुप, और सेकेंड चीज ये कि इसका IUPAC नेम तो होता है, कॉमन नेम नहीं होता भाई साहब, मजे ही मजे आ गए फिर तो, जिंदगी जियो। और नामकरण पता है कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, मान ले यहाँ पर लिखा है ना CH3NO2, तो इसका बस IUPAC नेम हो गया नाइट्रो मिथेन, क्यों, क्योंकि मिथ इसका हो गया वर्ड रूट,
तो कुल मिला के एक और नामकरण कर ले CH3 यहाँ लग गया बेटा NO2। तो अब बताना आइसो नहीं लगेगा, आइसो जो होता है वो आयु वो कॉमन नेम में लगता है। तो यहाँ पर तेरा प्रोपेन हो गया, अगर ये नहीं होता तो प्रोपेन होता। अब प्रोपेन यहाँ पे 2 पे NO2 लगा है, 2 नाइट्रो प्रोपेन। यू विल हैव टू टेल कि नाइट्रो कौन से कार्बन पे लगा है। नहीं आई समझ, कर दे डन जल्दी फटाक से लिख लिख ले सर, आप से लिख, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जल्दी लिख। सो गाइस लिसन दिस गाइस, अब यहां पर भी लिखो कि ये एक दिस इज नॉट अ मेन फंक्शन ग्रुप, यहां भी लिखेंगे यही बात, दिस इज नॉट अ मेन फंक्शनल ग्रुप। को F.G. लिख दूं, अरे फंक्शनल ग्रुप को FG लिख दिया, इट इज दिस इज नॉट अ मेन फंक्शनल ग्रुप। अच्छा यहां ध्यान दो, अगर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है फिलहाल, इसका आयु पैक नहीं है, नहीं है मतलब सुन मेरी बात, यहाँ पे आयु पैक था कॉमन नहीं था, यहाँ आयु पैक नहीं है, कौन सा है कॉमन? ऐसा क्यों? आयु पैक सबके था, आपने बोला था। अब तुन मैंने बात, कईयों का एक्चुअल नाम नहीं होता, बस एक निकनेम होता है। एक आदमी बता दो ऐसा, तू मनु नाम कैसा है? मनु मतलब मतलब नहीं पता लग रहा ना, लड़का लड़का बंदे का नाम है मनु अग्रवाल। घंटा यूपीएससी नेम है, कॉमन नेम लग रहा है कि मनु बेटा इधर आना। आपका कॉमन नेम क्या है भाई आलोक? याद आ गया, तो मैं थोड़े बताऊंगा क्या है फिर तुम भाई बोलना चालू कर दोगे। ओनली कॉमन नेम इसका, ठीक है। अच्छा अब कॉमन नेम गूगल से कि कैसे लिखेंगे, तो यहाँ आ जा, इसका कॉमन नेम लिखेंगे एल्काइल नाइट्राइट। बेटे 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 लिसन टू दिस, क्या नाम है इसका कॉमन नेम? एल्काइल नाइट्राइट, वेरी नाइस। तो आ जा बेटा, कैसे लिखेंगे इसको? मान ले CH3ONO लिखा हो तो इसका नाम हो गया मिथाइल, अरे वाह मिथाइल नाइट्राइट, ओके। और इस वाले का क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान दे, यो फिर यो ONO, ठीक है भाई। एन प्रोपाइल नहीं है, गधे बीच से लगा है आइसोप्रोपाइल नाइट्राइट, वेरी नाइस। इज दैट क्लियर? यस सर। आइसोप्रोपाइल नाइट्राइट बेटे, इसको ढंग से समझो। ए इसमें कोई डाउट हो तो बोल रहे हैं, अरे अब सब आसान ही आसान है भाई साहब, जिंदगी आसान है, अब जल्दी कर ले भाई। कई सारे कुत्ते मत आओ भाई, लड़ाई हो जाएगी। अल्काइल आइसोसाइनाइड ये लिखे भैया, अरे सर नंबर ही गलत हो जाती है फिर। चलो ये करा दो कोई बात, प्रॉपर गरीब इंसान भाई। नाइट्राइल का जो सिंबल है वो है CN। ये जो C एक्चुअल में C और N के बीच में कितने बॉन्ड है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। C ट्रिपल बॉन्ड N, बंद हो गया, ठीक है जी। इसका सेकेंडरी दिस इज अ मेन फंक्शन ग्रुप, तो यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज अ मेन फंक्शन ग्रुप, अ मेन फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है इसका दोनों, व्हिच इंप्लाइज इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स इसका होता है नाइट्राइल, ठीक है। अब बेटा यहाँ ध्यान दे रहा, ये है CH3, ये है CH2, ये है CH2, ये है CN, ओके गाइस। तो आपको क्या लगता है जब मैं इसका आई पैक नेम कर रहा हूँ और वर्ड रूट में कार्बन गिन रहा हूँ तो ये कार्बन काउंट करूंगा नहीं करूंगा? पता है जो फंक्शन ग्रुप का कार्बन होता है ना ऑलवेज काउंट होता है, ठीक है। तो याद ध्यान दो, ए इसका डब्ल्यू आर देन पी एस देन एस एस देन पी पी देन एस पी एस पी, तो डब्ल्यू आर होता है इसका ब्यूट एन नाइट्राइट। गजब भाई साहब,
मतलब तुम इस लेवल तक ट्रेंड हो चुके हो कि अगर आपको एसएस दे दे तो आप कुछ लेवल तक आंसर लिख पाओगे, समझ रहे हो ना? अरे तम साहब यहाँ ध्यान दो, प्राइमरी प्रीफिक्स है इसका नहीं यार, कुछ सेकेंडरी है नहीं यार, नाम क्या होगा? ब्यूटेन लगता है क्या? अब ई ऑर्बिट होगा नहीं होगा, इम्यून का आपको करना क्या है, जो अब ये सीएन है ना, सीएन की जगह लिख देना है साइनाइड, क्या लिख देना है? साइनाइड, मतलब ये सीएन आपने साइनाइड में काउंट कर दिया, तो अब ये बचा हुआ आपका क्या है, ये आपकी एल्काइल चेन हो जाएगी, मतलब नाम इसका क्या होता है, एल्काइल साइनाइड, तो ये प्रोपाइल नहीं आ रहे, एन प्रोपाइल साइनाइड, तो एन प्रोपाइल आपका वो हो गया कि कौन सा है, और ये साइनाइड हो गया, तो मतलब बस सी एन वाला सी काउंट नहीं कर रहा, उसके बाद कौन सी एल्काइल है नाम कर रहा है, अरे सी एन को, सी एन जो खा के चट मर जाते हैं एकदम, हाँ ये वही ग्रुप है, जीप पे लगाया और तू भाई साहब एप्पल के सीट में नहीं होता, तो क्या होता है आपको साइनाइड ही तो किस लिए साइनाइड ही तो होता है किस लिए एप्पल के सीड में साइनाइड होता कार्बाइड साइनाइड बहुत सारे एप्पल के सीड्स खा दो तो मर जाते हैं हम तो मरे ना आज तक आपने एप्पल का सीड खाया कभी हाँ एक बल्क में खाया बल्क में क्यों खाऊं खाओ ना फिर एक बार नहीं पहले हमारी बार पहले बार नहीं करवा मतलब आप कुछ नहीं बचा आप ना एप्पल के सीड खाओ या तू समझ आया कि नहीं आया गिरा तो नहीं है लेकिन बड़ी हालत हो गई है एल्काइल आइसोसाइनाइड चले लिखा पहले बताओ क्या है This is not a main function group. लेकिन मतलब इसका एसएस नहीं है। हाँ। कितने मतलब? यार लेकिन this is not a main functional group, guys. तो इसका secondary suffix नहीं होगा। इसका IU pack नहीं होगा। इसका common name होगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे common name की जगह alkyl. जैसे यहाँ पे एल्काइल नाइट्राइड था ना और बोलो यहाँ पे एल्काइल आइसोसाइनाइड बधाई हो भाई साहब हो गया यहाँ ध्यान दे ये देख मान लेते रहे ये नाम है मतलब अगर वो एन वाला हुआ तो भी हम आइसोसाइनाइड लिखेंगे C-N-C क्या नाम हो गया मैं बताऊँ अरे गजब भाई साहब तालियां इस लड़के के लिए लड़के को सर हाँ मिथाइल नहीं होना चाहिए नहीं 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 एन मिथाइल क्या होता है आप थोड़ा सा पढ़ के आए प्लीज थोड़ा सा तो ये मिथाइल ही तो है सी को इस साइड भी नहीं रख रहे हो क्योंकि सी सी एन के पास दो बाइंडिंग साइट है एक सी एक एन जब सी से बाइंड हुआ तो बाइंड हुआ तो मैंने नाइट्राइल बोला जब एन से बाइंड हुआ तो नहीं होता नहीं होगा ही नहीं तभी दूसरे कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हाँ वेरी नाइस चल भाई कर दे ये मामला डन हो गया 14 फंक्शन लूप का कितने आधा घंटा चलो बच्चों आज यहीं पे फिनिश कर रहे हैं उसके बाद बाकी मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास ओके बाय बाय